हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। तो आज मैं आई हूँ बागों में और खेतों में, दोनों में ही आई हुई हूँ। जैसा कि आप सब पीछे देख रहे हैं, ये है बाग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये बाग है और ये आम का पेड़ है। बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। तो ये सब जो है आम का पेड़ है, और जो है ना बहुत सारे पेड़ जो है कट चुके हैं। जब मैं यहाँ रहती थी तब यहाँ पर बहुत आम के पेड़ थे, पूरा जो खेत था ना बाग था। लेकिन अब जो है ना कट कट के जो है खेत बन गया, आप सब देख रहे हैं। पहले ये सब बाग था और आम का पेड़, महुआ का पेड़। महुआ आप सब जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते। मैं महुआ का पेड़ दिखाती हूँ। आम तो सब जानते हैं कि आम कैसा होता है, तो मैं आप सबको महुआ का पेड़ दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सबको जो है मैं महुआ का पेड़ दिखाती हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये ऊपर ये देख रहे हैं पेड़, ये महुआ का पेड़ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आम तो आप सब जानते ही होंगे और शायद महुआ का पेड़ भी सब जानते होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है महुआ का पेड़ और इसमें महुआ होता है। पहले मैं जब छोटी थी, बचपन में जो है ना, मैं बहुत जो है ना महुआ बिनने आती थी। मतलब ऐसे महुआ पेड़ से गिरता है बहुत सारा सुबह सुबह, और ऐसे मतलब नीचे पीला पीले कलर का होता है, पूरा जो है ना ऐसे बिखरा हुआ रहता है, और उसको बिनते हैं। उससे जो क्या बनता है, उसको उससे दारू भी बनती है। उससे जो है ना जब वो ताजा रहता है तो उससे जो है ना लपसी कैसे बनती है खाने। मीठी मीठी चीनी डाल के उसमें जो है लपसी बनाई जाती है, और गुलगुला बनता है उससे, और उसकी वो पपड़ी भी टाइप की तो बनती है ना। क्या महुआ का वो गुलगुला, उसी को बोलते हैं क्या? गुलगुला तो गोल गोल होता है। हाँ, लपसी उसको बोलते हैं। लपसी होती, लंबा लंबा बनता ना पूरा टाइप का ऐसे करके। नहीं यार, कुछ और भी बनता है, उसका नाम नहीं मालूम। तो आप सबको मैंने दिखा दिया, वो है महुआ का पेड़ जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और ये मेहंदी का पेड़ है क्या? कैथे का। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब देख रहे हैं, ये है कैथे का पेड़। इसमें भी कैथा हुआ है लेकिन ऊपर है, दिख नहीं रहा है। तो ये कैथे का पेड़ है। मैं एक मिनट आपको जो है पास दिखाती हूँ। आप सब देख रहे हैं, ये है कैथे का पेड़, और कैथा भी है लेकिन दिख नहीं रहा है इसमें। तो यही सब है। और देखिए, हमारे गांव में जो है जंगल भी है। देख रहे कितना जंगल टाइप का है, बहुत जंगल है। और आप सबको मैंने दिखाई दिया महुआ का पेड़, आम का पेड़। तो महुआ के बारे में बता दिया। वैसे सब बहुत गांव में जो रहते होंगे सब जानते होंगे महुआ किसे कहते हैं और महुआ क्या होता है। तो आप सबको जो है मैं कटहल का पेड़ दिखाती हूँ। कटहल की सब्जी बनती होगी, शहर में मिलता है, सब जानती होंगे। लेकिन गाँव में जो है ना उसको वो बड़ा हो जाता है तो पकता है, उसको खाया भी जाता है, बहुत मीठा होता है। तो मैंने खाया है, जैसा कि अभी कटहल लगा हुआ है, जैसा कि मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कटहल लगा हुआ है, और एक दो महीने बाद हो जाएगा ना, एक दो महीने बाद। इसका पेड़ देख लीजिए, ये देखिए ऊपर आप सबको दिख रहा है, ये है कटहल का पेड़, और इसमें कटहल फरे हुए हैं। आप सबको मैंने दिखा दिया, और मैं आप सबको करौंदे का पेड़ दिखाती हूँ। कहाँ है और ये देखिए कटहल हुआ है, आप सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये कटहल फरे हुए हैं, एक दो महीने बाद बड़े हो जाएंगे कटहल। और ऊपर भी देखिए, है देखो कटहल दिख रहा है। और मैं आप सबको जो है करुंदे का पेड़ दिखाती हूँ, बहुत ही कांटे हैं। आती हूँ एक मिनट शिवानी, मैं आप सबको जो है करुंदे का पेड़ दिखाती हूँ। करुंदे वैसे सब जानते ही होंगे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है करुंदे का पेड़। अभी नहीं, गर्मी में होगा करुंदा। और एक सफ़ेद रंग का करुंदा होता है और एक पीले रंग का, हरे रंग का होता है। तो हरे रंग का भी अच्छा होता है, पीले रंग का भी अच्छा होता है, अचार भी बनता है करुंदे से। तो मैंने तो करुंदा खाया हुआ है, तो अभी नहीं है, मई जून में करुंदा होगा। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, बड़हर का पेड़, बड़हर होता है गोल गोल सा, टेढ़ा मेढ़ा करके होता है, खटमिट्टा सा लगता है। तो इसमें बड़हर अभी नहीं हुआ है। सब ये करुंदा और बड़हर जो है मई जून में होगा। तो अभी तो मैं मई जून में आई नहीं हूँ, तो मैं दिखा नहीं सकती, बस पेड़ ही आप सबको दिखा सकते। आप सब देख लीजिए, तो ये बड़हर का पेड़ है। कटहल का पेड़ आप सबको मैंने दिखा ही दिया, उसमें कटहल भी फरे हुए हैं। और ये करुंदे का पेड़ है जो कि आप सबको मैंने दिखा दिया। यही सब है। और फ्रेंड्स, आप सब जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये है खजूर का पेड़। अब इसमें खजूर नहीं हुआ है लेकिन होता है। तो मैंने सोचा कि आप सबको मैं खजूर का पेड़ दिखा दूँ। अगर जो नहीं जानता होगा खजूर का पेड़ कैसा होता है, तो खजूर का पेड़ जो है ऐसा ही होता है। तो आप सब देख लीजिए खजूर का पेड़।
और जब हो जाएगा तो मैं जरूर खिलाऊंगी आप सबको। अभी है नहीं इसलिए नहीं खिला सकती, तो देख लीजिए यही है खजूर का पेड़। सो फ्रेंड्स, आप सबको मैंने बाग दिखाया, बाग में क्या क्या पेड़ हैं, आम का पेड़, महुआ का पेड़, कटहल और बड़हर और करुंदा, ये सब जो पेड़ मैंने आप सबको दिखाए और खजूर का पेड़ आप सबको मैंने दिखाया। तो आप सबको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।